Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS rank 1 Shuti Sharma. हेलो फ्रेंड्स दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस पांच मिनट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द साइट्स और साथ ही साथ ये भी समझेंगे वाई इज दिस एग्रीमेंट इज सिग्निफिकेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी वाई इन न्यूज आखिर ये साइड्स न्यूज में क्यों है पहले जरा इसको समझते हैं देखिए मार्च थ्री इज नोन एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मार्ग एनुअली टू ड्रॉ अटेंशन टू इशू ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना एंड मार्च थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री मार्ग द फिफ्टी एनिवर्सरी ऑफ साइट्स एस्टेब्लिशमेंट मीस थर्ड मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के तौर पर विश्व जीव दिवस के तौर पर मनाया जाता है जो एनुअली फ्लोरा एंड एन, फोना के जो कंजर्वेशन है उससे रिलेटेड इशू को अट्रैक्ट करता है एंड थर्ड मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को साइट्स के एस्टेब्लिशमेंट के फिफ्टी ईयर पूरे हो चुके हैं तब से साइट्स काफी न्यूज में बना हुआ है तो इस वीडियो में हम साइट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे वाई दिस एग्रीमेंट इज सिग्निफिकेंट ये समझौता इतना महत्वपूर्ण क्यों

विश्व वन्य जीव दिवस के तौर पर मनाया जाता है तो ये पॉइंट याद रखिएगा यू थाउजेंड थर्टीन एंड यू एन जी ए तो ये हो सकता है एम सी क्यू अगर बनता है तो हम आंसर करने की कंडीशन में होंगे आगे बढ़ते हैं एंड साइट्स रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं देखिए अगर साइट्स की बात करें तो साइट्स जैक्रोने में ये पॉइंट याद रखिएगा ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इनडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फॉर्न एंड फ्लोरा जिसे शॉर्ट फॉर्म में साइट्स के तौर पर जाना जाता है एंड ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ये पॉइंट याद रखिएगा अगर इससे रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट बातें करें कि आगे तो इसका साइट्स का एस्टेब्लिशमेंट क्यों किया गया तो साइट्स के एस्टेब्लिशमेंट के बैकग्राउंड को आप ऐसे समझिए कि साइट्स वाइज ड्राफ्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ रेजोल्यूशन एडॉप्टिड इन नाइनटीन एट ए मीटिंग ऑफ मेम्बर ऑफ़ द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन जिसे करंट सनारियों में आई के नाम से जाना जाता है आई इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर दैट टाइम उसे वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से जाना जाता था मीन्स 1963 में आई ने वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया था एंड इस रेजोल्यूशन के एक्सेप्टेंस के फॉर्म में हम देखते हैं कि साइड्स एग्रीमेंट का एस्टेब्लिशमेंट होता है एंड ये एग्रीमेंट फर्स्ट ऑफ़ जुलाई 1975 को फोर्स में आया था ये पॉइंट याद रखिएगा 1975 में फोर्स में आया था एक्चुअली थर्ड मार्च 1973 को ही वर्ल्ड गवर्नमेंट के साइन के लिए इसे ओपन कर दिया गया था इसलिए इसका एस्टेब्लिशमेंट थर्ड मार्च 1973 से ही माना जाता है बट ये फोर्स में 1975 में आया था ये पॉइंट याद रखेंगे इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट बातों को कर डिस्कस करें तो साइट्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया बिटवीन द गवर्नमेंट्स जो कि लीगली बाइंडिंग होता है मींस अगर एक बार किसी नेशन इसे साइन कर लिया तो इसके जितने भी नॉर्म्स वगैरह हैं उसको फॉलो करना आपके लिए मैंडेटरी होता है एंड इसका मेन एम ही होता है वाइल्ड स्पीसीज़ के जो ट्रेड हैं उनको रेगुलेट करना मीन्स अगर कोई स्पीसीज खतरे में है तो उसके ट्रेड को साइट्स के थ्रू रेगुलेट किया जाता है एंड साइट्स के अगर हेड क्वार्टर की बात करते हैं तो ये जिनेवा में है ये पॉइंट याद रखिएगा एंड इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की होती है वो यू जो यून होता है वो प्रोवाइड कराता है तो कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं साइट से रिलेटेड आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं वाई दिस एग्रीमेंट इज़ सिग्निफिकेंट ये समझौता इतना महत्वपूर्ण क्यों है इसे भी समझते हैं देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्रीमेंट वर्ल्ड वाइड जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जो प्लांट्स हैं उनके ट्रेड को रेगुलेट करता है ताकि कोई भी स्पीसीज अपने हैबिटेट में एक्सटिंक ना हो जाए मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस इज़ द ओनली कन्वेंशन दैट एक्चुअली रेगुलेट द ट्रेड ऑफ वाइल्ड स्पीसीज मीन्स ये एक मात्र ऐसा कन्वेंशन है जो खतरे में पड़े जो वाइल्ड स्पीसीज़ हैं उनके ट्रेड को रेगुलेट करता है ताकि कोई भी स्पीसीज अपने हैबिटेट में एक्सटिंग ना हो जाए और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लीगली बाइंडिंग है मींस वंस एक बार आप इसके सिग्नेटरी बन जाते हैं तो आपको इसके जो नॉर्म्स वगैरह हैं उसे फॉलो करना ही होगा एज इंडियन अगर हम बात करते हैं तो इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है ये पॉइंट याद रखिएगा मीन्स इंडिया के ऊपर भी साइड्स के जो नॉर्म्स हैं वो लीगली बाइंडिंग है करेंट सिनारी में वन पार्टीज हैं जो इसके मेम्बर हैं और एवरी थ्री ईयर में वर्ड भी इंपॉर्टेंट है एवरी थ्री ईयर में जो इसकी पार्टीज होती है जो कॉप होती है उनकी मीटिंग होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जहाँ पर जितने भी नॉर्म्स वगैरह होते हैं उन्हें इंप्लीमेंट करने की बातें की जाती है तो ये पॉइंट याद रखिएगा एवरी थ्री ईयर में इसकी मीटिंग होती है मीन्स एवरी ईयर मीटिंग नहीं होती है वन एटी फोर पार्टीज हैं करंट सिनेरियो में और नाइनटीन सेवेंटी फाइव में ये फोर्स में आया था इससे रिलेटेड कुछ यही फैक्ट हैं जो एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं तो होप आपको साइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें समझ में आई होंगी थैंक्स फॉर वॉचिंग